खबर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से है, जहां एलआईसी और स्टेट बैंक और सार्वजनिक एरिया के बैंक को अडानी समूह में निवेश किए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस पार्टी द्वारा गांधी चौक में धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की गई। तत्पश्चात जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने बताया कि सरकार के इशारे पर एलआईसी और स्टेट बैंक जैसे सरकारी संस्थानों द्वारा अडानी समूह में बेहद जोखिम भरे लेन देन और निवेश से इंश्योरेंस कंपनी के 29 करोड़ पॉलिसी धारकों व बैंक के 45 करोड़ खाता धारकों के भविष्य को दांव पर लगा दिया गया है। ये दोनों संस्थान देश के गौरव हैं और करोड़ों भारतीयों की गाढ़ी कमाई से बने हैं। सरकार ने जबरदस्ती एलआईसी, एसबीआई तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अडानी समूह में निवेश कराया है। ये जनता के साथ धोखाधड़ी और विश्वासघात है। केंद्र की इस दुर्भाग्यपूर्ण कार्यप्रणाली के विरोध में कांग्रेस ने आज धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व विधायक अजय सिंह, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं संगठन प्रभारी जगदीश सैनी, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा, प्रवक्ता अशोक कोटिया सहित कांग्रेस जन उपस्थित रहे। जो LIC और स्टेट बैंक के करोड़ों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, इसको लेके सरकार चुप है, प्रधानमंत्री जी मौन है, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, सरकार कोई गारंटी नहीं ले रही है, इसको लेके जिला कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके सरकार से मांग कर रही है कि निवेशकों को सरकार गारंटी दे कि आपका जो पैसा फंसा है उस पैसे के लिए सरकार जवाब दे है उसका पैसा दे। दिल्ली से है या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा निर्देश है, पूरे देश में हर जिले में ब्लॉक में धरना प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि अडानी ने मोदी के समर्थन के साथ पूरे देश को जिस तरह से लूटा है, इस लूट में जो प्रधानमंत्री खुद शामिल हैं उसको जनता के सामने पर्दाफाश करने के लिए पूरी कांग्रेस देश भर की जनता के बीच गई है। आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम जनता को बता रहे हैं किस तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस लूट में मोदी जी शामिल हैं।